हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो में बताएंगे डेल्ट्रॉन कंपनी का मॉडल नंबर 9800 इस एम्पलीफायर के बारे में, जो 8 ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर पे आप 12 इंच के, 15 इंच के कौन से स्पीकर चला सकते हो, तो कितने वोल्ट के स्पीकर चलाओगे, सारा कुछ बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। जो भी चैनल पर नए हो दोस्तों, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट जरूर करना। और बहुत लोगों को ये परेशान रहती है कि हमको एम्पलीफायर मंगवाना रहता है होम डिलीवरी पे, तो हम आपको दे नहीं पाते। बट ये जो एम्पलीफायर है, आप आराम से अपने वहाँ पे मंगवा सकते हो। कैसे होम डिलीवरी मिलेगी आपको, सारा कुछ इस वीडियो में हम बता देंगे एंड में। तो जुड़े रहिए हमसे और आप बताते हैं आप इस एम्पलीफायर की क्या क्वालिटी है, क्या सिस्टम है, और कैसे कैसे स्पीकर पर या कितने वोल्ट के स्पीकर पर आप चला सकते हो। तो बढ़ते आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये डेल्ट्रॉन कंपनी का एम्पलीफायर, इसका मॉडल नंबर मैंने आपको बता दिया, 9800 नंबर है। अब इसकी बात करें डिजाइनिंग की, तो डिज़ाइन भी इसकी ज़ोरदार है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि बाकी बहुत सारे एम्पलीफायर आपने देखा होगा जिसमें एक ही मास्टर वॉल्यूम आता है, यानी आप एक ही मास्टर वॉल्यूम से सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो। बट यहाँ पे अलग अलग है, दो मास्टर वॉल्यूम है। दो मास्टर वॉल्यूम का मतलब, अगर आपके पीछे स्पीकर चार लगते हैं, तो चार में से दो स्पीकर को अलग कंट्रोल करोगे और दो स्पीकर को अलग कंट्रोल करोगे। बहुत में क्या होता है कि मास्टर वॉल्यूम एक होता है, यानी आवाज़ अगर कम करते हो तो दोनों का साथ में आवाज़ कम हो जाता है। बस इसमें ऐसा नहीं होगा, अगर दो स्पीकर, यानी मतलब जो दो स्पीकर का आवाज़ आप कम करोगे, तो एक साथ उन दो स्पीकर का कंट्रोल, तो चार लगे हुए या फिर दो लगे हुए, मान लो दो स्पीकर लगे हुए, तो एक स्पीकर का आवाज़ आपने कम कर सकते हो, एक का बढ़ा के रखना सकते हो तो रख सकते हो, क्योंकि दोनों का अलग अलग मास्टर वॉल्यूम है। तो ये सिस्टम इस एम्पलीफायर में है। दूसरी बात बात करें इसकी ऑन ऑफ की सिस्टम की, तो दोस्तों देखो, इसके अंदर पावर बटन आपने देखा हुआ है, ये रेड वाला बटन है जो इसका पावर ऑन ऑफ बटन है, और जो ब्लैक वाला बटन है वो इसका मेन मास्टर वॉल्यूम बटन है। और नीचे आप देख सकते हो दो, जो माइक की सुविधा भी इसके अंदर दी हुई है, इसमें आप देख लो दो माइक लगे हुए, माइक वन और माइक टू। यहाँ पे आप दोनों माइक लगा सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना, माइक के साथ आप गाना नहीं चला सकते, या तो आप माइक चलाओगे या फिर गाना चलेगा। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि सर जी, हमको गाना भी, म्यूजिक चलते चलते साथ में माइक से भी गाना भी गाना है, तो वो सिस्टम इसमें है कि नहीं। बट मैं बता दूँ आपको, वो सिस्टम इसमें नहीं है, इसमें वही सिस्टम है। मतलब अगर आपको माइक लगाना है तो फिर आप गाने नहीं बजा सकते, अगर गाना बजाना है तो माइक नहीं लगा सकते, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। तो ये सिस्टम इसके अंदर है। दूसरी बात की बात करूँ तो नीचे आप देख सकते हो वॉल्यूम, और एक तो बेस का है, एक इसका ट्रिपल है। जो पास में जो दिया हुआ है वो वॉल्यूम माइक, माइक का वॉल्यूम है, वो माइक का वॉल्यूम है। बाकी इसमें सारे सिस्टम हैं। और इसके दूसरे सिस्टम की बात करूँ तो मैं आपको बता, दूसरा सिस्टम ये है कि आप देख सकते हो ये तीनों वॉल्यूम के पास तीन बटन है। एक इसका जो है जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को चालू करने का बटन है। दूसरा जो है पीछे जो ऑक्स पिन लगी है उसको चालू करने का बटन है। और तीसरा जो है माइक को चालू करने का, यानी जो तीनों बटन में से जैसे जैसे आप बटन चालू करोगे, अगर माइक वाला बटन चालू करोगे तो पीछे दोनों के जो माइक है वो माइक चालू हो जाएंगे, बीच वाला बटन चालू करोगे तो जो आगे यूएसबी डिस्प्ले लगा उसमें लाइट आ जाएगी वो चालू हो जाएगा। तीसरा ये कि तीसरा बटन दबाओगे तो ऑक्स वाला, यानी पीछे जो ऑक्स डालने का जो सिस्टम दिया हुआ है मोबाइल से, वायर 2RC केबल बोलते हैं, वो चालू हो जाएगा। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि पीछे जो ऑक्स केबल है वो कहाँ पे लगता है। दोस्तों इस एम्पलीफायर का पूरा सिस्टम मैं आपको बता दूँ, इस एम्पलीफायर में आगे क्या क्या सिस्टम है और क्या क्या आप इसमें लगा सकते हो। क्योंकि आगे इसमें जो डिस्प्ले दे हुआ है, उस डिस्प्ले में आप है ना, उस डिस्प्ले में आप दोस्तों, एक तो आगे जो डिस्प्ले दिया हुआ उसमें यूनिवर्सल फिट है, FM रेडियो है, और EQ कंट्रोल भी है, और जो बड़ा वाला LED डिस्प्ले भी दिया हुआ है। दूसरी बात करें दोस्तों, USB भी इसमें लगा सकते हो, रिमोट कंट्रोल भी है ये, और इसमें ब्लूटूथ और ऑक्स पिन का भी सिस्टम है, आगे भी ऑक्स पिन पीछे भी है, और HD कार्ड भी ऑप्शन है, और इसमें 5 वोल्ट चार्जिंग, मतलब इससे आप मोबाइल भी अपना चार्जिंग कर सकते हो आराम से, तो 5 वोल्ट चार्जिंग सिस्टम भी है। बात करें इसे पीछे की, पीछे क्या सिस्टम है, पीछे का ये पूरा एम्पलीफायर देख लीजिए आप, इसमें पीछे पिन, स्पीकर और ट्रांजिस्टर सारा कुछ लगा हुआ है। क्या आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा 8 ट्रांजिस्टर है। इस साइड की बात करें तो इसके अंदर देख लीजिए कि यहाँ पे ऑडियो पिन, TV पिन, और मोबाइल से बजाने के लिए भी लगा सकते हो आप, मतलब तीनों पिन लगा सकते हो। DVD को ज्वाइंट कर सकते हो, सेटअप बॉक्स को ज्वाइंट कर सकते हो, और आप होम थिएटर्स के साथ भी ज्वाइंट कर सकते हो, LED के साथ भी आप ज्वाइंट कर सकते हो, सारा कुछ के साथ आप ज्वाइंट इसको कर सकते हो, हर किसी के साथ आप चला सकते हो। और ये बाजू देखें तो दोस्तों, इसमें देखो लीजिए, ऊपर दो स्पीकर और नीचे दो स्पीकर, 220 वोल्ट का AC करंट ये छोड़ता है। और क्योंकि ऊपर दो स्पीकर नीचे दो स्पीकर, मैंने आपको बताया था कि ये जो एम्पलीफायर है
जैसे अब आगे दो वर्स्ट मास्टर वॉल्यूम है, तो दोनों अलग अलग कंट्रोल करेगा, जो ऊपर का दो स्पीकर और नीचे का दो स्पीकर है। दोस्तों ये सारी जानकारी हम दे दी थी आपको एम्पलीफायर की, और इस एम्पलीफायर के मैंने बोला था कि 15 इंच का भी स्पीकर चलेगा और 12 इंच का भी चलेगा। तो मैं बता दूँ, 15 इंच का चलाओ या 12 इंच का चलाओ या 10 इंच का चलाओ, स्पीकर इसके ऊपर आप 150 वोल्ट तक चला सकते हो, हाईएस्ट 200 वोल्ट तक चला सकते हो। अब 100 वोल्ट के चार भी चला सकते हो आप 12 इंच के, और 200 वोल्ट के दो चला सकते हो। अगर 100 वोल्ट के चार चला रहे हो तो साथ में 40-40 वोल्ट के दो ट्विटर भी आप आराम से चला सकते हो इसके ऊपर। दूसरी बात दोस्तों करें कि बहुत लोगों का ये सवाल रहता है हमेशा कि इस एम्पलीफायर को हम ऑनलाइन यानी होम डिलीवरी कैसे कराएं, तो मैं बता दूं इस एम्पलीफायर की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यानी आप ये अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। इसके लिए मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसकी लिंक पे ओके करके आप इसको खरीदी कर सकते हो। दूसरी बात को बोलूँ दोस्तों कि एम्पलीफायर की जो वारंटी रहती है वो एक महीने की है, कि कोई भी एम्पलीफायर की। अब ये जिससे इसकी दाम की बात करूँ तो ये 8 ट्रांजिस्टर का 2500 के आसपास आपको एम्पलीफायर पड़ेगा, और इसकी जो वारंटी है वो एक महीना रहेगी, और 7 दिन में, अगर 7 दिन में रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी है, अगर 7 दिन में आपको एम्पलीफायर पसंद नहीं आता है तो आप रिटर्न भी कर सकते हो, बट कोई कारण होना चाहिए। ऐसे ही नहीं अब डायरेक्ट आपने लिया और ऐसे ही 7 दिन यूज़ कर दिया, आप रिटर्न नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको ये लेना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो वहाँ पर जाके, और अगर इसका आपको वॉल्यूम या मतलब साउंड पसंद नहीं है तो फिर आप 7 दिन के बाद इसको मतलब रिटर्न कर सकते हो। कोई कारण से कोई ख़राबी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है 7 दिन के अंदर एम्पलीफायर में, तो उसको आप रिटर्न कर सकते हो। और जब भी आपके घर पे पार्सल आए तो आप पार्सल खोल के ज़रूर देखें एम्पलीफायर टूटा हुआ है नहीं, अंदर कोई एम्पलीफायर तो वो आप देख लें एम्पलीफायर टूटा हुआ नहीं है। बाकी 7 दिन में आप अगर ये एम्पलीफायर साउंड सही नहीं दे रहा तो आप रिटर्न कर सकते हो, वो 7 दिन की अमेजोन पर इसकी रिटर्न पॉलिसी भी है, 2500 का पड़ेगा आपको, और लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप सब लोगों को ये जान के खुशी होगी कि ये एम्पलीफायर आपको लेना है तो आप आराम से अमेजोन पर ऑर्डर कर सकते हो। ये एम्पलीफायर मैंने बेचा हुआ है, मैं अपने दुकान पे बहुत कस्टमर को दे चुका हूँ, जिससे मुझे भी भरोसा है कि एम्पलीफायर बहुत बढ़िया चलता है। डेल्ट्रॉन कंपनी का 9800 नंबर, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो किसी को मुझसे बात करनी हो तो आप मुझसे कॉल भी लगा सकते हो और व्हाट्सअप से भी हम बात कर सकते हैं। तो जो भी आपको बात भी करनी है तो आप मुझे कॉल लगा के बात कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया रखा है उससे भी आप मुझे बात कर सकते हो चैटिंग करके भी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसको भी वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।